एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये कह दिया है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। बिकॉज रूट्स आर इक्वल देन b² - 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ ऑलरेडी हमें उसने बता दिया है कि रूट्स की जो नेचर है यानी कि जो उसकी प्रकृति है वो कैसी है, इक्वल है और रियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b की जगह पर आप क्या रख दोगे? k² - 4, a की जगह पर आ जाएगा 2 और c की जगह पर आप रख दोगे 3 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा k² - 4 × 8 और 8 × 3 = 24 = 0। के स्क्वायर को ही रखा, इसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपका 24 का एलसीएम कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ हो जाएगा। तो k = 2 × 2 × 3 (2 × 3) तो यहाँ से पैर बनकर 2 तो बाहर हो जाएगा। ये रूट अपने साथ प्लस माइनस का साइन रखता है तो 2 हो जाएगा बाहर और 3 × 2 = 6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो k = ±√6। अब इसका सेकेंड वाला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। ये वाला kx(x-2+6) = 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। के एक्स का एक्स में इंटू किया तो के एक्स की पावर 2 और के एक्स का इसमें इंटू किया तो माइनस का 2 kx + 6 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हियर x² के साथ में जो भी होगा वो आपका a होगा, फिर x के साथ में जो भी होगा वो आपका b होगा। तो b = −2k और ये है कांस्टेंट टर्म, ये आपकी है c। बिकॉज रूट्स आर इक्वल देन b² - 4ac = 0। हम इसे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। b² - 4ac = 0। b की जगह पर हम रख देंगे -2k² - 4, a की जगह पर आ जाएगा k और c की जगह पर आ जाएगा आपका 6 = 0। इस माइनस को ये इवन नंबर पॉजिटिव कर देगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k² 6 × 4 = 24 k = 0। यहाँ से आपका 4k कॉमन हो रहा है तो उसे कॉमन निकाल लो, यहाँ से k बचेगा और यहाँ से 6 = 0। इस 4k को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0/4k k - 6 = 0, इसलिए k = 6। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।